नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ बांसुरी के इस नए लेसन में। और आज हम सीखने वाले एक बड़ी खास तकनीक जिसे हर फ्लूट प्लेयर जो है, हर प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर यूज करता है अपने हर फ्लूट कवर्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं भी अपने हर फ्लूट कवर में उस तकनीक को यूज करता हूँ और शास्त्रीय संगीत के अंदर गायकी अंग में इस तकनीक को यूज करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस खास तकनीक को खास तरीके से, बड़े खास अंदाज में सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास एफ स्केल की फ्लूट है। ये वो फ्लूट नहीं जो हमें हमेशा यूज करता हूँ, ये एक बड़ी खास फ्लूट है। खास क्यों है आपको दिख रही होगी, खास ये इस फ्लूट में बहुत सारा प्रेम है। आज इस वीडियो में बहुत सारा प्रेम ही प्रेम है, बताओ क्यों? क्योंकि ये जो मैं फ्लूट बजा रहा हूँ, जो मैंने पहन रखा है, ये सब प्रेम की तो निशानी है। दोस्तों, ये जो फ्लूट है मुझे निशांत मुदगल जी ने गिफ्ट करी है, बहुत प्रेम से बनाई है। उनका प्रेम जो है इसके स्वरों में झलक रहा है। देखो, ट्रेन भी बोल रही है कि हाँ भाई, झलक रहा है, ठीक है। और इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा किया है। दोस्तों, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना प्रेम से फ्लूट बनाई है, जो इतना फिनिशिंग में दिख रहा है इसकी, इतने प्यार से थ्रेडिंग की है, इतने सफाई से इसके छेद किए हैं और आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो निशांत मुदगल जी, अगर आप प्रोफेशनल भी ये काम करते हो, मुझे लग रहा है देख के इतना अच्छा प्रोफेशनल काम कर रहे हो। तो जिन्हें भी पीवीसी फ्लूट चाहिए वो उनसे बिल्कुल ज़रूर खरीद सकते हैं, मुझे अच्छा लगा है उनका ये तोहफा। साथ में जो शर्ट है ये प्रिया जी ने मुझे जोधपुर से भेजी है। प्रिया जी, देखो मैंने आज ही आई और आज ही पहन ली। मैं पता है देख के मुस्कुरा गया, मैंने कहा क्या बात है यार। तो राधे राधे लिखा है इस पे, राधे राधे लिखा है इस पे, राधे राधे लिखा है इस पे, इस पे, इस पे, हर जगह। आइए वो खास तकनीक सिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट। इस तकनीक को मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, इसको आकार कहते हैं, ठीक है। आकार स्पेसिफिकली क्या होता है उस पर मैं कभी डिटेल्ड में एक लेसन समझाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझ लीजिए कि हम हर सुर को बिना फूक को तोड़े रिपीट कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं सा सा मुझे प्ले करना है, ठीक है, तो मैंने दो बार सा प्ले किया। इसका एक और तकनीक है, वो क्या है, सा बजा रहा हूं लगातार फूक के साथ और पीछे मैंने एक ऐसा हल्का सा क्लिक कर दिया। इसको नी को टच, बहुत रुकना नहीं है यहाँ पे, हल्का सा क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों देखा होगा आपने कि बहुत सारे क्लासिकल आर्टिस्ट जो है वो आ करके कुछ गाते हैं, ऐसे कान बंद कर लेते, तो वो क्या गाते हैं, वो आकार गाते हैं। गाते तो स्वर ही है वो, कि सारे गमा पदनी सा आ, पर उसको आ बोल रहे हैं वो, है ना। तो ऐसे ही फ्लूट में अगर वो अंदाज निकालना है तो हम पीछे हल्के से, हर स्वर के पीछे हम ऐसे हल्का सा वो करेंगे तो उससे वो इफेक्ट निकलेगा। कैसे, अगर फ्रेज है सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, तो मैं फूक से काटूंगा जवान से यहाँ पे, और अगर फ्रेज है सा रे गा मा पा धा नी सा तो समझ में आया ना। अब ध्यान से देखो करना क्या है, सा रे गा, फूक को स्टॉप नहीं करना, फूक तो लगातार चलती रहेगी, सांसें तो लगातार चलती रहेगी, सांसें है तभी तो जिंदगी है। सा रे गा मा, मा में सब गलती करते हैं, माँ का हमेशा ध्यान रखना, इस माँ का भी और अपनी माँ का भी। सा रे गा मा पा, ठीक है, प विकट मोड़ है, हमेशा खतरा होता है प से, ठीक है, तो सावधानी से चलना है वहां पे, पिता फटकार भी तो लगा सकते हैं। पा
अब प में क्या कर रहा हूँ मैं, प के लिए माँ से कर रहा हूँ मैं, प म प स्पीड से कर रहा हूँ वो, और कुछ जुगाड़ नहीं करना, जो सिखा रहा हूँ वही सही तरीके से प्रैक्टिस करना है पेशेंस के साथ। धा नी सा, समझ में आया? अब पूरा मैं आपको धीरे बजा के दिखाता हूँ। फिर सुरों को 3 बार भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और 4 बार भी कर सकते हो। दोस्तों पहले 1 बार करना, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, और भी ज्यादा कर सकते हो, 6 बार, 8 बार आपके हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे करना। अब क्या बातों का ध्यान रखना है वो सीख लो। सबसे पहले आप प्रॉब्लम फेस करो कि टाइमिंग पे आपको मैंने जैसा बजाया वही टाइमिंग आनी चाहिए, और उससे अच्छी आनी चाहिए, उससे खराब नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, अभी अगर ज्यादा देर तक उस स्वर पे रुक गए तो वो नीसा सुनाई देगा कि ये नहीं करना, नीसा नीसा ये नहीं करना, करना क्या है, हल्का सा क्लिक कर रहा हूं मैं, समझ में आ गया। उसके बाद आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो पंचम के अंदर, प के अंदर की प मा प मा प मा प, वो बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन धैर्य रखना। प बजाया, ठीक है, फिर मा प मा प, देखो मैंने ये 3 पहले से रख रखी है ताकि आपको ट्रांजिशन में दिक्कत ना हो, आप लेट ना हो, अगर पूरा करोगे तो टाइम अजीब सा आवाज आएगा, तो 3 ढक्के रखना और ऐसे ऐसे करना, बस ये आराम से बच जाएगा। ऐसे ऐसे मत करना, ये तीव्रमा हो जाएगा, तीव्रमा का साउंड नहीं आना चाहिए, शुद्ध मा चाहिए, तो मा और ये प, मा प 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 मा प। तो दोस्तों इस लेसन को ढंग से प्रैक्टिस करना चाहो तो ऐसे टाइमिंग सेट कर दो कि मुझे जो एक एक बार है वो 10 मिनट प्ले करना है, 2-2 बार 5 मिनट प्ले करना है, 3 और 4 वाला 2-2 मिनट प्ले करना है, ठीक है। मेट्रोनॉम के साथ प्रैक्टिस करना, प्रॉपर बीट्स के साथ प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना नहीं आता तो बहुत जल्दी आपके लिए लेसन लेके आऊंगा। और एक बात बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान रखनी है कि तानपुरे के साथ प्रैक्टिस करना, फ्लूट का स्केल जानना, आपकी फ्लूट का स्केल क्या है, उसके बाद कैसे जानना है फ्लूट का स्केल, तो ऊपर आई बटन पे जाओ, मैंने सिखाया है तानपुरे के साथ ट्यून करना, ट्यूनिंग भी सिखाया है। मैं हर लेसन में कह रहा हूँ कि मेरा ट्यूनिंग वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूनिंग वाला लेसन है तानपुरे के साथ, तानपुरे के साथ। आई बटन पे जाओ, क्लिक करो, सीखो। वो नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, उसको 10 बार देखो, उसको साधो उस चीज को, है ना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अजीब सा लगेगा सुनने में आपका फ्लूट, मिठास नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा, और कितना भी आगे चले गए पछताओगे बाद में। तानपुरे के साथ प्रैक्टिस करना ही है। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, समय की कमी है, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ, हर लेसन में, कि तानपुरे के साथ प्रैक्टिस करना ही है। दोस्तों अब अलविदा कहने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ।
आप अपने बांसुरी के सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे गुरुजी हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो उनका स्वागत करेंगे सब बहुत जल्दी। तो जो भी सवाल है जल्दी से लिख दो, उनसे करके पूछते हैं आपको। बहुत बड़े देश विदेश के कलाकार हैं, तो उनका अभी से ही मैं देखो गान पकड़ लिए मैंने, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए ला रहा हूँ उनको मैं, बहुत रिक्वेस्ट की बात। दोस्तों उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा, आप सिंसियरली पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करोगे, मुस्कुराते रहोगे, मुस्कान बांटते रहोगे। एक और बार निशांत जी और प्रिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैंने आज ही दोनों को धारण कर लिया और हमेशा ये मेरे पास रहेंगे, साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, लेसन को ज़रूर लाइक ज़रूर करना, जितना कमेंट हो सके करो, जितना लाइक शेयर हो सके करो, आपका साथ ही मेरा साहस है। और मेरे कवर्स को ज़रूर देखना, पहुंचाना मिलियंस तक। ठीक है, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद और जय भारत।